तो रांची के सीएमपीडीआई म्यूजियम को आम जनता के लिए एक महीने तक के लिए खोल दिया गया है। इस म्यूजियम में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर खनिज पदार्थों और कोयले के उत्खनन की पूरी प्रक्रिया दर्शाई गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे सीएमपीडीआई में कैसे आपको तमाम जानकारियां मिल जाएंगी। सीएमपीडीआई संग्रहालय नवम्बर महीने में आम लोगों के लिए भी खोला जाएगा। बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौर्य मंडल के ग्रह और जमीन की परतों समेत जमीन के अंदर क्या है, किस तरह का है, ये सब इस संग्रहालय में दिखाया गया है। एजुकेटिव टाइप का ये संग्रहालय है जिसमें लोगों को इस खनिज विज्ञान से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं तो सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ। आज हमारा कोल इंडिया फाउंडेशन डे है, हमारा संग्रहालय खुला रहेगा, अधिक से अधिक लोग आएँ, अपना ज्ञान बढ़ाएं और जो सुझाव हो हम लोग उसको और इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे। संग्रहालय में वैसे तो काफी कुछ अजूबा है। कोयला उत्खनन की पूरी प्रक्रिया को मॉडल के माध्यम से दिखाया गया है। सुरंग के माध्यम से किस तरह से कोयले का खनन होता है, दुर्घटना की स्थिति में कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन कराया जाता है, आजकल कोयला उत्खनन का तकनीक क्या बदला है, सब कुछ यहाँ दर्शकों के लिए नया होगा और रोमांचक भी। तीन तरह के सेक्शंस हैं। एक में हमारा प्लेनेट कैसे आया, कैसे उसका जेनेसिस हुआ। दूसरा रिलेटेड टू मिनरोलॉजी है कि भेरिया लैंड फॉर्म्स। और तीसरा इज डेडिकेटेड टू कोल गैलरी, उसको बोलते हैं, तो वो दैट इज डेडिकेटेड टू कोल फॉर्मेशन और माइनिंग इन कोल, जैसे हम लोग करते हैं इसे। सीएमपीडीआई की स्थापना, जमीन के अंदर कोयला कहाँ है और कितने नीचे है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये पता लगाने के लिए किया गया। भूगर्भ शास्त्र और उससे जुड़े छात्रों को ये संग्रहालय जरूर देखना चाहिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके तमाम खनिज तत्वों की कहानी और विशेषकर झारखंड में कोयला निकालने की प्रक्रिया जो कभी मैनुअल हुआ करती थी, आज ओपन कास्ट टेक्निक तक पहुंच गई है। अगर आप सब कुछ अपनी आंखों से देखना और समझना चाहते हैं तो सीएमपीडीआई आइए। शनिवार और रविवार को छोड़ सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ये बेहतरीन म्यूजियम आपका इंतजार कर रहा है। कैमरामैन देवाशीष के साथ मैं शाहनवाज अख्तर, न्यूज 11, भारत, रांची।